नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो आज के वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। अगर थोड़ा भी आप मिस करोगे दोस्तों तो एक बात नोट करना, एक रुपये का भी प्रॉफिट आप बुक करने वाले नहीं हो दोस्तों इस बार, ठीक है। और इस बार आप अपने टोकन को, जितना भी क्वांटिटी में आपके पास टोकन है, ओपन ईएक्स का टोकन है दोस्तों, ठीक ना, इस टोकन को बिल्कुल भी आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, काफी लोगों ने कंफ्यूजन करके रख दिया है कि हमको टोकन जो है दोस्तों मेटामास्क वैलेट के अंदर विड्रॉल करना है कि दोस्तों ओपनईएक्स टेस्टनेट के अंदर विड्रॉल करना है, ओपनईएक्स का जो मेनेट है कि उसके अंदर विड्रॉल करना है। काफी लोगों ने ये कंफ्यूजन करके रख लिया है और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि मेटामास्क और ओपनईएक्स टेस्टनेट को लिंक करना होगा दोस्तों, उसका एड्रेस कॉपी कर आपको वहां पर डालना होगा तभी जाकर विड्रॉल ले पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके बावजूद भी दोस्तों काफी लोगों ने तो सेम एसएस पासवर्ड बना लिया दोस्तों, ठीक है। और इसके बावजूद भी आपको बता दूं ईमेल पे कोई ओटीपी ही नहीं आ रही, फेस वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक ना। इस सभी का जवाब आज के वीडियो के अंदर आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो भैया आज की जो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और डायरेक्टली इस टोकन को कैसे आप सेल कर पाओगे, जैसे आपके वैलेट के अंदर टोकन आएगा ना 27 अप्रैल के बाद दोस्तों इंस्टेंट टोकन को सेल करके बढ़िया प्रॉफिट बुक करने वाले दोस्तों, ठीक है। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा और सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो भैया आपसे एक ही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टेंट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बताऊंगा ओपनईएक्स के अंदर यानी सतोशी कोर के अंदर जिन लोगों ने साइनअप नहीं किया इंस्टेंट जाकर साइनअप करो, नहीं तो इन फ्यूचर आप पछताओगे दोस्तों, ठीक है। साइनअप करना सिंपल है, ईमेल पासवर्ड आपको डालना है, फेस वेरिफिकेशन कर लेना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी मेटामास्क का वैलेट खोल लिया है आपके सामने, यहां पर देखने को मिल जाएगा ये एड्रेस यहां पर देख पाएंगे और यहां पर मेरे पास कितना कोर टोकन यहां पर देख पाएंगे, 0.21 कोर टोकन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी को दोस्तों मैं ओपन ईएक्स के मेनेट के अंदर खोलूंगा, यहां पर देख पाएंगे एकदम सेम एड्रेस आपको दिखेगा और जितना मेरे पास टोकन है दोस्तों 0.2182 यहां पर टोकन है और यहां पर भी आपको दोस्तों इतना ही टोकन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, हो सकता है क्योंकि मैंने मेटामास्क वैलेट को किससे कनेक्ट कर लिया है दोस्तों, मेटामास्क वैलेट को दोस्तों ओपन ईएक्स के साथ लिंक कर लिया है दोस्तों, ठीक है। ये काम आपको भी करना पड़ेगा और जो एड्रेस है चाहे आप यहां से एड्रेस कॉपी करिए चाहे दोस्तों आप यहां से मेटामास्क वैलेट से एड्रेस कॉपी करिए, दोनों बात सेम ही होगी दोस्तों। यहां पर जो आपका टोकन दिखाएगा वो टोकन यहां पर भी आपको ओपन ईएक्स का टोकन आपको शो करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा हमारी नहीं, इनकी तरफ से अपडेट आ चुका दोस्तों, ऐसा काम आप कर सकते हो और ऐसा करने के बाद दोस्तों जो विड्रॉल लेंगे काफी बड़ा विड्रॉल आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 100 टोकन आपको मिला है तो 200 टोकन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं दोस्तों, जो ईमेल का ओटीपी का प्रॉब्लम जो आपके बीच में आ रहा है ये लगभग 95% लोगों के साथ आ रहा है दोस्तों, ठीक ना। वो रीसेट पासवर्ड करने जा रहे हैं तो भी ये ईमेल का ओटीपी नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और जैसे आप टोकन को विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम वहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या करना है, सतोशी एप्लीकेशन वालों ने साफ साफ आर्टिकल दे दिया है, उन लोगों ने बोल दिया भैया 2-4 दिन आप वेट करो, वेट करने के बाद दोस्तों ये एरर प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही साथ इस एप्लीकेशन के ऊपर इतना ज्यादा वैलेंट को लिंक किया जा रहा है दोस्तों ना कि कुछ पूछना नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आपको 2-3 दिन आराम से करना है, 2-3 दिन वेट करिए। वेट करने के बाद दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भैया अब लिंक कर सकते हो तब जाके लिंक करो, कोई भी दिक्कत आने वाली दोस्तों आपके बीच में नहीं है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो 24 घंटा, नहीं तो 3 घंटा, नहीं 4 घंटे का टाइम आपके पास बार बार रिपीट करके आपको दिखाएगा ये प्रॉब्लम। और सेकंड आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे आप टोकन को विड्रॉल करने का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो ना तो विड्रॉल के अंदर फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम काफी बड़ी आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप इन दोनों का सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूं साथ साथ, और मेटामास्क वैलेट को ओपन ईएस के अंदर टेस्टनेट के अंदर कैसे ऐड करेंगे और फ्रेस की कहां से कॉपी करेंगे और सबको डिटेल में आपको बताऊंगा, और अपने मेल को किस तरीके से बाइंड कर पाएंगे, एड्रेस को किस तरीके से बाइंड कर पाएंगे यानी ओपन ईएस के अंदर दोस्तों, ठीक ना, सतोशी कोर माइनिंग के अंदर जाकर विड्रॉल कैसे कर पाएंगे एड्रेस को बाइंड करके, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए यानी कि बाइंड करने के लिए दोस्तों यानी लिंक करने के लिए मेटामास्क को ओपन ईएक्स ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मेटामास्क ओपन करना है, वहां से जो 12 वर्ड का फ्रेश क्यू होता है उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके यहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास जो वैलेट है मेटामास्क का उसको ओपन कर लेता हूं। आप दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मैंने मेटामास्क का वैलेट ओपन कर लिया है
ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहां पर सेटिंग का आइकन दिखेगा दोस्तों, कुछ नहीं, सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां पर दूसरा नंबर आपको सिक्योरिटी प्राइवेट की का ऑप्शन दिखेगा, कुछ नहीं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी रिकवरी फ्रेश, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अब यहां पर दो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, गेट बैक फॉर यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे रॉन्ग दिखाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, फिर से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, गेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर नीचे आपको कैन हेल्प यू का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक करना है। अब ओके वाले सेक्शन के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर जो पहला वाला ऑप्शन आपको देखने को मिला है दोस्तों, कुछ नहीं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले सेक्शन के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अब ऐसा जैसा करेंगे दोस्तों, यहां पर एक सिंपल सा जो आपका मेटामास्क वैलेट का पासवर्ड है उसको आप डालेंगे, नेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने दोस्तों कुछ यूनिक तरीके से पेज खुलकर आएगा। अब दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा ऑलरेडी मैंने पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और जैसे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ये जो बटन आपको दिख रहा है छोटा सा ना, इसके ऊपर क्लिक करके आपको होल्ड रखना है, 2-3-4 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट तक होल्ड रखना है दोस्तों इस बटन पर दोस्तों, ठीक है। जैसे आप होल्ड रखेंगे दोस्तों इंस्टेंट आपके बीच में दोस्तों 12 वर्ड का जो फ्रेश की है ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों, उसी फ्रेश क्यू को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कहीं पर लाकर यानी ओपन एक टेस्टनेट का अंदर लाकर दोस्तों उसको पेस्ट करना है, ठीक ना। तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल तरीके से हम जान लेते हैं। सपोज करो एग्जांपल के थ्रू यहां पर हम लोगों ने फ्रेश की को कॉपी कर लिया मेटामास्क का, ठीक ना, और मेटामास्क का कौन सा जो भैया कहीं आप किसी व्यक्ति के सामने शेयर नहीं किए दोस्तों, वो वाला आपको यहां पर करना है दोस्तों, मेटामास्क का सिक्योरिटी को यानी फेस की को कॉपी करना है दोस्तों, ठीक ना। तो हमने इसको कहीं भी शेयर नहीं किया, इसको मैंने ऑलरेडी यहां से कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको ओपन एक्स को ओपन करना है दोस्तों, ओपन एक्स का जो टेस्टनेट एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है। अब भैया आपको देखने को मिल जाएगा मैंने ऑलरेडी यहां पर ओपन एक्स का जो टेस्टनेट है उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, साइनिंग वाले सेक्शन पर नहीं क्लिक करना है, यहां पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, कुछ नहीं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा, इंपोर्ट वैलेट का ऑप्शन दिखाएगा और जो 12 वर्ड का फ्रेश की हम लोगों ने कॉपी किया है मेटामास्क वैलेट से उसको लाकर यहां पर पेस्ट करना है और नेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा और जो 12 वर्ड का फ्रेश की रहेगा यहां पर दिखाएगा और नीचे भी आपको दिखाएगा दोस्तों, यहां पर भी आपको दिखाएगा। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है फिर से इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल कर आएगा। अब यहां पर एक पिन तैयार करना है दोस्तों आपको, ठीक है, यानी टोटल 6 अंक आपको पिन तैयार करना है। तो 1-2-3-4-5-6 डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल पाएंगे। तो जो पिन पहले आप डाले रहेंगे उसी पिन को दोबारा भी आपको डालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। पहला मैं आपको डाल देना है, फिर दोबारा भी आपको वही पिन डाल देना है दोस्तों, ठीक ना, दो बार आपको डालना है। यहां पर देख पाएंगे ऑलरेडी मैंने 2 बार डाल दिया। आप डन वाले सेक्शन के ऊपर आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यह ऑटोमेटिक दोस्तों डन हो जाएगा, आपका पिन यहां पर पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा और साथ साथ दोस्तों आपका 12 वर्ड का फ्रेश की भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, यानी जैसे आप ओपन एक टेस्टनेट को ओपन करेंगे ना, एकदम दोनों जगह मेटामास्क के अंदर भी एकदम सेम दिखाएगा और दोस्तों ओपन एस का जो टेस्टनेट है एकदम सेम दिखाएगा दोस्तों, दोनों के अंदर कुछ भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। दोनों का रिकवरी की यानी ओपन एस का भी फ्रेश की सब कुछ एकदम सेम दिखाने वाला दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं दोस्तों। अब यहां पर देख पाएंगे मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर देख पाएंगे मैं पहले भी स्टार्टिंग में आपको बताया हूं ये भी और इसको भी आप चेक करेंगे दोस्तों ना, दोनों ही सेम बता रहा है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, दोनों यहां पर सेम बता रहा है। यहां पर आप चेकआउट कर पाएंगे कोर मेरे पास कितना है, यहां पर 0.32 का कोर है यहां पर देख पाएंगे और यहां पर भी वही सेम आपको देखने को मिल जाएगा, 0.306 का यहां पर कोर है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और यहां पर कोर ऑलरेडी एड भी हो चुका दोस्तों। इसी एड्रेस को यहां से आपको कॉपी करना है और इसी एड्रेस को दोस्तों आप ले जाकर यानी कुल मिलाकर मोटी मोटा बात करूं सतोशी माइनिंग जो एप्लीकेशन वहां पर पेस्ट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल दिखा देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर कोर मेनेट का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों ना, इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। यहां पर कोर मेनेट लॉन्ग टेस्टनेट आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग टेस्टनेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ऐसा आएगा। तो लॉन्ग टेस्टनेट के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कोर मेनेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोर मेनेट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ओपन एक्स का टोकन आपको दिखाएगा, देख पाएंगे यहाँ पर ओपन एक्स का टोकन अभी आपको शो नहीं होगा और यहाँ पर जो एड्रेस आपको दिख रहा है दोस्तों इसी एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों ये जो एड्रेस दिख रहा है ना इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर देख पाएंगे ऑलरेडी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बैक चले जाता हूँ दोस्तों अब, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोस्तों इसी को आपको क्या करना है, सतोशी माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर जाना है, लिंक करना है यानी पेस्ट करना है दोस्तों।
दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा सतोशी फ्री माइनिंग एप्लीकेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी यहां पर आ चुका हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो मिनट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको दोस्तों क्लिक करना है। अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहां पर ओपन ईएक्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो वैलिड एड्रेस हम लोगों ने वहां से कॉपी किया उसको लाकर यहां पर पेस्ट करना है, और नीचे आपको एसएस पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको एसएस पासवर्ड आपको डाल देना दोस्तों, ठीक है ना। सपोज करो एग्जांपल के थ्रू आपको एसएस पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले यहां मोर वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, एसएस पासवर्ड चेंज करने के लिए मोर वाले आइकन के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक करना है। मोर वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर पर्सनल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एसएस पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। अब जो ओल्ड वाला आपने पासवर्ड डाला था दोस्तों, एसएस पासवर्ड आपके पास था, उसको यहाँ पर डाल देना है। एक चीज नोट करना है दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पर लॉगिंग पासवर्ड और साइनअप करते वक्त जो लॉगिंग पासवर्ड आप लोगों ने डाला था वो पासवर्ड और एसएस पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर भी आपको विड्रॉल लेने में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ओल्ड वाला पासवर्ड आपको डाला, यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। जो पासवर्ड न्यू एसएस पासवर्ड के अंदर डालेंगे वही आपको फिर से कॉपी करना है, ये वाला पासवर्ड कॉपी करना है, यहाँ पर आपको डाल देना है कंफर्म न्यू एसएस चैनल दोस्तों, ठीक है। और कंफर्म के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख पाएंगे यह पासवर्ड मैंने डाल दिया ओल्ड वाला, फिर यहाँ पर न्यू तैयार किया, इसी पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। आप कंफर्म वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ऐसा पेज खुल कर रहेगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे एसएस पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चेंज होने के बाद दोस्तों अब विड्रॉल करना चाहेंगे दोस्तों, आराम से आपका विड्रॉल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सब कुछ कर लिया, अब दोस्तों कुछ नहीं, मिनट के ऊपर आपको आना है। आने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर ओपन एक्स टोकन दिखाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो लिंक एड्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो एड्रेस हम लोगों ने ओपन टेस्टनेट से कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, और एसएस पासवर्ड आपको डाल देना है। ओईएक्स लिंक विड्रॉल एड्रेस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। हो सकता है आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगी दोस्तों, ओटीपी का प्रॉब्लम काफी टाइम आपको देखने को मिला है, तो दो तीन दिन आपको वेट करना है। जो प्रोसेस सेम मैं बताऊं इसी प्रोसेस को आपको भी कंप्लीट करना है, और आराम से आप अपने टोकन को विड्रॉल कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके बीच में एक फेस वेरिफिकेशन होगा और आराम से सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है वो लोग भी पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, क्या हमको मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी प्रयास करिएगा, अगर होता तो बेस्ट, नहीं होता तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी इनकी तरफ से लेटेस्ट अपडेट है सारा का सारा मैंने आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया। सो गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा जिन लोगों ने सतोशी कोर के अंदर साइनअप नहीं किया है इंस्टेंट जाके साइनअप करो, इन फ्यूचर आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।